हेलो एवरीवन, माय नेम इज नरेश कुमार एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एडुफैक्ट लर्निंग। आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर आपको प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को बहुत अच्छे से समझना है तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, वहाँ पर आपका डाउट क्लैरिफाई किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के साथ। ओके, तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आप पहले क्या पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने सीखी वो क्या है, द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। जी हाँ, आपने क्या सीखा, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए क्या होता है बेटा, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। वो ट्रेट्स को क्या है, वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफर करता है। इनहेरिटेड ट्रेट्स के लिए क्या है, डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है। और किसी भी जेनेटिक एक्सप्रेशन में कि आप क्या लिखते हैं, आप जेनेटिक एक्सप्रेशन में आप क्या कहते हैं, डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए। जो डीएनए है किसी भी जेनेटिक एक्सप्रेशन के अंदर किस में कन्वर्ट होगा, एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट होगा, ये आप पढ़ चुके हैं। और फिर आपने पढ़ा कि एमआरएनए किस में कन्वर्ट होता है प्यारे बच्चों, एमआरएनए कन्वर्ट होता है प्रोटीन्स के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होता है, प्रोटीन के अंदर, ये भी आप पढ़ चुके हैं। ओके, अब एक और बात अगर आपको याद आ रही होगी जो पहले आप पढ़ चुके हैं, डीएनए का एमआरएनए में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों इसको, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और अगर एमआरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। इतना भी आपको पता होगा। और आपको यह भी पता होगा कि द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ दिस जेनेटिक एक्सप्रेशन, डीएनए इनटू एमआरएनए एंड एमआरएनए इनटू प्रोटीन, दिस इज नोन एज द सेंट्रल डोगमा। तो प्यारे बच्चों इसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल डोगमा। ओके, एंड सेंट्रल डोगमा वॉज प्रपोज बाई वॉटसन एंड क्रिक, ये भी आपने पढ़ लिया है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो हम यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। तो नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए का एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाना। तो प्यारे बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा, डीएनए अगर एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ओके, चलिए एक और चीज़ आपको रिकॉल करा दूँ कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है। डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेट्स के लिए। ओके, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है बेटा, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। किसके अंदर होता है, वायरसेस के अंदर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एचआईवी, ठीक है ना, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी जो वायरस होता है, एचआईवी जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर जो आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। ओके, उसके अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। सेकंड, जैसे कोरोना वायरस, आजकल इसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है, सारा का सारा सिस्टम ठप पड़ गया है उस वायरस की वजह से, लोगों को बीमार कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, उसके अंदर भी क्या है, आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। तो उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो देर आर सम ऑर्गेनिजम्स विच हैव आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सम ऑर्गेनिजम्स हैव आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। ओके, अब देखो जिनके अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल था उनके अंदर जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए एंड एमआरएनए इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं, अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल वायरस, मोस्ट ऑफ द वायरस, जैसे रेट्रोवायरस हो, एचआईवी,
या मैं कहूँ कोरोना वायरस, ठीक है। तो इन कोरोना वायरस जैसे कि कोविड 19, ओके, कोविड 19 इसका जो नाम है, जो एक्चुअल नाम है, ठीक है। तो वायरस है जैसे HIV है, कोरोना है, तो इन सारे वायरसेस के अंदर RNA जेनेटिक मटेरियल होता है। और प्यारे बच्चों आपको पता है दीज आर ऑल्सो द ऑर्गेनिजम्स, ये भी क्या है, ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, ये क्या है, अपनी कॉपीज बनाएंगे, वन जनरेशन से अनदर जनरेशन तक जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे अपना जीन्स का एक्सप्रेशन करेंगे, ये कैसे उनके अंदर जेनेटिक एक्सप्रेशन कैसे होगा, तो मैंने अभी आपको बताया जिनके अंदर DNA एक जेनेटिक मटेरियल होता है, जिनके अंदर DNA एक जेनेटिक मटेरियल होता है, उनके अंदर जेनेटिक एक्सप्रेशन कैसे होता है, DNA इज कन्वर्टेड इनटू mRNA, द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, एंड mRNA इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन, द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ओके। नाउ दिस कंप्लीट थिंग इज नोन एज द सेंट्रल डोगमा, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, RNA से जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि वायरस, HIV, कोरोना, तो इनके अंदर जेनेटिक एक्सप्रेशन कैसे होगा, ओके, वन मिनट जी। हाँ, मैं क्या बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था जिनके अंदर RNA एक जेनेटिक मटेरियल है उनके अंदर जेनेटिक एक्सप्रेशन कैसे होगा। चलिए, RNA फर्स्ट ऑफ ऑल इज कन्वर्टेड इनटू DNA, देन DNA इज कन्वर्टेड इनटू mRNA, ओके। उसके बाद mRNA इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो चुका है ना। तो वहाँ पर जो जेनेटिक एक्सप्रेशन था वाज एक्सप्लेन बाय द सेंट्रल डोगमा, और ये सेंट्रल डोगमा वायरस के केस में भी फॉलो होता है, जो सेंट्रल डोगमा है वो वायरस के केस में भी फॉलो होता है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो गया। यहाँ पर क्या है, एक एक्स्ट्रा स्टेप, क्योंकि RNA क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, तो पहले RNA जेनेटिक एक्सप्रेशन के लिए, अपने जीन्स को एक्सप्रेस करने के लिए, सबसे पहले DNA में कन्वर्ट होगा, DNA के बाद वो mRNA में कन्वर्ट होगा, mRNA के बाद प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, ओके। तो दिस इज द कम, यहाँ पर क्या है, देर इज ए एडिशन ऑफ वन मोर एक्स्ट्रा स्टेप, ओके। तो RNA से DNA में कन्वर्जन, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसी प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो इतनी बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी, तो इस प्रोसेस को हम प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, द कन्वर्जन ऑफ RNA इनटू DNA, इसको क्या कहा जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अब कोई एंजाइम भी हेल्प करता होगा इस प्रोसेस के अंदर, आपने देखा ट्रांसक्रिप्शन के अंदर भी देयर आर मैनी एंजाइम्स विच हेल्प, ट्रांसलेशन के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम हैं जो हेल्प करते हैं। और अगर मैं बात करूं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, DNA का रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर भी बहुत सारे एंजाइम, तो ऐसे ही RNA से DNA के कन्वर्जन में जो एंजाइम हेल्प करेगा उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। और एक और बात प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है इसको टेमिनिज्म भी कहा जाता है। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों इसको, टेमिनिज्म। टेमिनिज्म मतलब RNA को DNA में कन्वर्ट होना, इसको टेमिनिज्म भी कहा जाता है या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस भी कहा जाता है। टेमिनिज्म क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसको जो एक्सप्लेन करने वाले जो साइंटिस्ट थे उसका नाम है टेमिन एंड बाल्टीमोर,
टेमिन एंड बाल्टीमोर ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। तो इसको और जो मेन साइंटिस्ट थे उसमें वो थे टेमिन, और उन्हीं के नाम पर इसको टेमिनिज्म भी कहा जाता है। इतनी बात आपके बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। ओके, तो अब हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे कि किस तरीके से एक वायरस जेनेटिक एक्सप्रेशन करता है, अगर उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आरएनए है। ओके, तो ये प्रोसेस आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि वो प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे करेगा, जीन एक्सप्रेस कैसे करेगा। वो जीन एक्सप्रेस करेगा, सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से फिर प्रोटीन। ओके, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बन जाए। तो इसीलिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड किया गया जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस या टेमिनिज्म भी कहते हैं। ओके, चलिए आगे हम डायग्रामेटिकली जानेंगे कि ये जो प्रोसेस है किस तरीके से काम करती है। कोई भी वायरस है वो अपना जेनेटिक एक्सप्रेशन बेसिकली कैसे करता है, बहुत बेसिकली और बहुत इजी लैंग्वेज में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखें लास्ट तक, अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर पूछें, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कोई भी अगर डाउट रहता है। चलिए बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई वायरस है, ठीक है ना, ये क्या है, कोई वायरस है। ओके, देखिए वायरस के अंदर क्या होता है, ये वायरस है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है मेरे बच्चों, आरएनए। ये क्या है, आरएनए, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, एंड दिस इज द एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम क्या होगा, इस एंजाइम का नाम है, अभी आपको याद आ रहा होगा, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, इतनी बात आप समझ लीजिए। ओके, तो ये कहानी किसकी हो गई, ये कहानी हो गई किसकी, वायरस की। उसके बाद हम कंसीडर करते हैं एक होस्ट सेल, सपोज दिस इज द होस्ट सेल, और होस्ट सेल प्यारे बच्चों किसे कहते हैं हम, होस्ट सेल का मतलब वायरस जिस सेल को इन्फेक्ट करता है उसको होस्ट सेल कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें, वायरस जिस सेल को इन्फेक्ट करता है, वायरस जिस सेल को इन्फेक्ट करता है उसको होस्ट सेल कहा जाता है। ओके, इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी होगी। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे वो प्रोसेस होती है। देखो जब भी कोई भी वायरस किसी, ये क्या है वायरस, वायरस के अंदर आरएनए, आरएनए के अंदर क्या है, एक एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और जब भी किसी भी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्ट करते टाइम वो क्या करेगा, वो जो वायरस है इस होस्ट सेल के अंदर अपने आरएनए को और इस एंजाइम को इंजेक्ट कर देगा। इन्फेक्शन के टाइम पे क्या करेगा, इन्फेक्शन के टाइम पे ये जो वायरस है होस्ट सेल के अंदर अपने आरएनए और एंजाइम को, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, उसको इसके अंदर इंजेक्ट कर देगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, ये क्या है, होस्ट की सेल, और होस्ट के अंदर अपना जो डीएनए है वो तो पहले ही है खुद का, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, उसके बाद एज ए नेक्स्ट प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, Now, this RNA is get converted into DNA. किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, DNA में कन्वर्ट हो जाएगा with the help of reverse transcriptase enzyme. So, this RNA is converted into DNA. Suppose देखो जो red color में है ये RNA है, और ये जो black color में है ये क्या है, DNA, और जिस एंजाइम की यहाँ पर हेल्प ली गई उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो इस प्रोसेस को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस प्रोसेस को मैं लिख सकता हूँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ओके, इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी होगी। यहाँ पर आरएनए एंड डीएनए बोथ आर प्रेजेंट, तो दिस इज नोन एज द हाइब्रिड डीएनए। इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हाइब्रिड डीएनए।
तो एज ए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसी एंजाइम की मदद से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से, दीज आरएनए एंड डीएनए सेगमेंट्स गेट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो एज ए नेक्स्ट प्रोसेस व्हाट विल हैपन, एज ए नेक्स्ट प्रोसेस दिस डीएनए विल बी सेपरेटेड आउट, आइसोलेटेड, ओके। तो दिस इज डीएनए। नाउ व्हाट विल हैपन, मैंने आपको बताया कि आरएनए से क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा डीएनए बन गया। अब डीएनए का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा बच्चे, एमआरएनए बनेगा, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, इसको क्या कहेंगे हम, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से क्या बना, एमआरएनए, और एमआरएनए फिर ट्रांसलेट हो जाएगा किसके अंदर, प्रोटीन्स के अंदर, और एमआरएनए का प्रोटीन में कन्वर्जन, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन, इतना आपने पहले ही पढ़ लिया था, ओके। तो इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। चलिए आगे बात करते हैं, ये जो प्रोटीन बनी है ये कौन सी प्रोटीन है, वायरल प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है बेटा, वायरल प्रोटीन है। देखो अगर मैं वायरस के स्ट्रक्चर की बात करूं बेटा, अगर मैं वायरस के स्ट्रक्चर की बात करूं, वायरस के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, उस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, और वो चीज़ें कौन सी हैं, एक तो होता कैप्सिड, और कैप्सिड क्या है, दिस इज द प्रोटीन कोट। ये क्या है, कैप्सिड किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन कोट है। सेकेंड इज आरएनए एंड थर्ड इज एंजाइम, और ये जो एंजाइम है कौन सा एंजाइम है, ये जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई। अब ये जो प्रोटीन बनी है ये कैसी है, वायरल प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन बनी ये क्या है, लेट्स से दिस इज द वायरल प्रोटीन। अब ये प्रोटीन बच्चा किस में हेल्प करेगी, ये जो प्रोटीन है ये हेल्प करेगी वायरल कंपोनेंट्स को फॉर्म करने में, किसका सिंथेसिस करने में, वायरल कंपोनेंट्स को। तो इस प्रोटीन की मदद से क्या फॉर्म होंगे, कैप्सिड्स विल बी फॉर्म्ड। क्या फॉर्म्ड होंगे बेटा, बेटा बेटा फॉर्म होंगे यहाँ पे कैप्सिड्स, ठीक है। दूसरा क्या फॉर्म होगा, एंजाइम्स, एंजाइम्स विल बी फॉर्म्ड, सपोज दीज आर द एंजाइम्स, ओके। एंड द आरएनए मॉलिक्यूल्स आर ऑलरेडी देयर, ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल पहले से यहाँ पे है, ओके। तो आरएनए मॉलिक्यूल्स आर देयर, सो इन द नेक्स्ट प्रोसेस व्हाट विल हैपन, क्या होगा, असेंबली विल टेक प्लेस। अगली प्रोसेस में क्या होगा बेटा, असेंबली होगा। असेंबली किन चीज का, इसका कैप्सिड का, आरएनए का और एंजाइम का। नाउ क्या होगा, जैसे मान लो ये है वायरस, इस वायरस के अंदर आ गया आरएनए और ये एंजाइम, ओके। दिस इज अनदर वायरस, इस वायरस के अंदर क्या आ गया, आरएनए एंजाइम, ओके। ये जो वायरस का जो न्यू यहाँ पे कैप्सिड बना है वो किसकी प्रोसेस के द्वारा बना, ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा। और जब भी ये वायरस यहाँ पे न्यू वायरस फॉर्म हो जाते हैं, आफ्टर देन व्हाट हैपन्स, द सेल रप्चर्स, ये जो सेल है ये क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, होस्ट की सेल, होस्ट की जो सेल है क्या हो जाती है बेटा, रप्चर हो जाती है। और ये जो वायरस फॉर्म हुए हैं किसकी मदद से, आरएनए की मदद से, ये जो वायरस फॉर्म हुए हैं ये क्या है, सेल से बाहर आ जाते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस इज वायरस एंड दीज आर दीज जेनेटिक मटेरियल, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वायरस बाहर निकलकर क्या करेंगे, दूसरी सेल्स को अफेक्ट करेंगे, ठीक है, दूसरी सेल को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया, एक बार इसको दोबारा से एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं सारा, कि देखो ये क्या है, वायरस, ये होस्ट सेल, और वायरस जब भी किसी भी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है तो इन्फेक्शन के टाइम पे वह अपने जेनेटिक मटेरियल आरएनए और एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इंजेक्ट करता है होस्ट सेल के अंदर। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से जो आरएनए है वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हाइब्रिड डीएनए कहते हैं। आफ्टर दैट दैट डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम आरएनए एंड दिस डीएनए इज आल्सो नोन एज वायरल डीएनए, इस डीएनए को क्या कहते हैं, वायरल डीएनए, ओके।
नाउ दिस वायरल डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमआरएनए बनता है, एमआरएनए का ट्रांसलेशन से जो प्रोटीन बनती है, और ये जो प्रोटीन है इसका इन्फॉर्मेशन कहाँ से है, सोर्स क्या है, आरएनए है, तो कैसी प्रोटीन बनेगी, वायरल प्रोटीन बनेगी। वायरल प्रोटीन्स में क्या होते हैं, कैप्सिड, एंजाइम एंड आरएनए, ओके। तो यहाँ इस प्रोटीन की मदद से क्या, इस प्रोटीन की मदद से क्या बने, इस प्रोटीन की मदद से बने बेटा, इस प्रोटीन की मदद से क्या बने, कैप्सिड बना, एंजाइम बना एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स आर ऑलरेडी देयर। इतना समझ में आ गया। उसके बाद असेंबली विल टेक प्लेस, ओके। ये जो प्रोसेस, ये जो स्टेप है, ये क्या है, असेंबली, असेंबली, ठीक है ना, असेंबली विल टेक प्लेस। असेंबली होने के बाद क्या होगा, ये अभी तो बिखरे पड़े हैं सारे के सारे, असेंबली होने के बाद ये कैप्सिड, एंजाइम और आरएनए एक दूसरे से क्या है, उनका असेंबली हो जाएगा और न्यू वायरस यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। तो दैट इज़ हाउ द वायरस एक्सप्रेसेस इट्स जीन्स, इट्स जेनेटिक एक्सप्रेशन, किस तरीके से वायरस अपने जेनेटिक एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है। तो ये जो प्रोसेस है पूरी की पूरी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की है। आशा करता हूँ कि ये जो प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों, आपका जो डाउट है वो क्लियर किया जाएगा 101%। कमेंट करें, ओके। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका मैं लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, ओके। तो चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ओके, जो कि होगा जेनेटिक एक्सप्रेशन या जी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ओके। थैंक यू सो मच।